सो फाइनली दोस्तों लाहौर 1947 को लेकर यार एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है भाई, ये हेटर लोग कभी सुधरेंगे नहीं। और ये हेटर जो है ना दोस्तों, छपरी गैंग है ना, सामाजिक तत्व के लोग, भाई आपको बता दूं कि जैसे जैसे इस फिल्म की बज बनती जा रही है ना भाई, ये क्या बताऊं, इनके गले तले जो है ना पानी नीचे नहीं जा पा रहा, क्योंकि सीरियसली भाई ये घबरा चुके हैं। गदर 2 के बाद तो घबरा ही गए हैं, गदर 3 के अनाउंसमेंट से तो और घबरा गए हैं, लाहौर 1947 का भाई साहब शूटिंग लोकेशन देख देख के घबरा गए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार नहीं दिया तो प्यार करके सब्सक्राइब कर लो ना यार। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई दोस्तों, लाहौर 1947 एक बहुत बड़ी फिल्म होने जा रही है, इसका बजट सुपर है, इसकी एक्साइटमेंट फैंस के बीच हो रही है, एंड कहा जा रहा है कि सनी देओल की अब तक की करियर की बहुत बड़ी फिल्म हो सकती है, जो ग्रॉस कलेक्शन 1000 करोड़ के पार जाएगा और नेट कलेक्शन भी दोस्तों 1000 करोड़ के पार जाएगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट बड़ा सॉलिड है, VFX बड़ा सॉलिड है, राजकुमार संतोषी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आमिर खान इस पर पैसा लगा रहे हैं। आमिर खान दोस्तों एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस ट्रायलॉजी के लिए, आमिर खान का 30 मिनट्स का एक्सटेंडेड कैमियो है। लेकिन आपको बता दूं कि राजकुमार संतोषी का बहुत पुराना, मैंने एक इंटरव्यू देखा था दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका प्रोजेक्ट है और उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से प्रोड्यूसर नहीं मिल पाए, उसकी इश्यूज़ की वजह से ये प्रोजेक्ट कैंसिल होता गया। लेकिन फाइनली जब गदर 2 हिट हुई, ब्लॉकबस्टर हुई, तो ऑफकोर्स यार आपको पता है ना कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, यहाँ सनी देओल जी उगते हुए सूरज बन गए। और आमिर खान ने जब देखा कि सनी देओल की हाइप बन चुकी है, तो आमिर खान पैसा लगाने को तैयार हो गए राजकुमार संतोषी के इस मूवी में, और यही सबसे बड़ा एक जंप था दोस्तों। और राजकुमार संतोषी ने साफ साफ बोल दिया है कि आमिर खान उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं, आमिर खान ऑफकोर्स पैसा लगा रहे हैं, एंड आमिर खान के साथ काम करना उनके लिए ड्रीम की बात है, सनी देओल के साथ काम करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। और तीन बड़ी फिल्में जो कि ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर रही है, ये चौथी फिल्म बन जाएगी राजकुमार संतोषी के कोलैबोरेशन पे दोस्तों, सनी देओल की चौथी फिल्म जो कि सबके रिकॉर्ड तोड़ देगी। घायल घातक दामिनी अब लाहौर 1947। दोस्तों आपको बता दूं कि बॉलीवुड जो है हॉलीवुड जैसी मूवी बना रहा है, चाहे मैं बात करूं फाइटर की, फाइटर में ऑफकोर्स लोगों को समझ से बाहर हो गई, ये सिद्धार्थ आनंद ने भी बोल दिया कि लोगों को समझ नहीं आई फाइटर मूवी, बॉलीवुड को हॉलीवुड बनाओगे तो नहीं चलेगी। लेकिन पाजी जैसे ही गदर 2 को लेकर आए तो पाजी ने माहौल बदल दिया, हमें देसी सिनेमा चाहिए। और दोस्तों इंडिया है, भारत ही है, यहाँ देसी पीपल है, देसी सिनेमा चाहिए, हमें हॉलीवुड नहीं बनना है। करण जौहर जैसा बैकग्राउंड डालकर और वही दोस्तों रोमांटिक लव स्टोरी और वो भी आलतू फालतू से आंडू पांडू मूवी पे काम नहीं करना है, देसी सिनेमा चाहिए जिसमें एक ही नारा लगे हिंदुस्तान जिंदाबाद का। और लाहौर 1947 के आपको क्या ही बताऊँ भाई साहब, कास्ट सारे मस्त है, प्रीति जिंता, मोना सिंह, शबाना आजमी, डायलॉग सारे फाड़ू है, और हेटर लोग इसलिए जले पड़े हैं क्योंकि इस फिल्म के अंदर ऑफ कोर्स आमिर खान है। आमिर खान यार देखो, पता नहीं क्यों आमिर खान से इतना हेटर लोग जो है सामाजिक तत्व के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि आमिर खान इसमें पैसा लगाए। और ये न्यूज़ की दोस्तों जो मेरे पास आ रही है, सुनने में आ रहा है कि जितना भी सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं लाहौर 1947 की फिल्म तो हाइप बनी पड़ी है, लेकिन आमिर खान से जल रहे हैं लोग, क्योंकि आमिर खान पैसा लगा के बैठा हुआ है, उसको पता है कि भैया ये फिल्म चाइना से ही 500 करोड़ कमा लेगी, ऑलरेडी राइट बिकवा दिए, म्यूजिक राइट जल्दी बिकने वाले हैं, मैंने बताया भी था कि भाई 200 करोड़ तो ये फिल्म अपने ऐसे ही रिकवर कर लिया इसने। तो कहीं ना कहीं ये लोग नहीं चाहते कि जो अपना आमिर खान है भैया, तो सपोर्ट कर रहा है सनी देओल को, और ये नहीं चाहते कि ऐसा हो जिसकी वजह से आमिर खान को ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है, सनी देओल को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिसकी वजह से आपको ये डर है कि ये प्रोजेक्ट कहीं कैंसिल ना हो जाए, मतलब ये लोग जिस हिसाब से ट्रोल कर रहे हैं, वापस कहीं ऐसा ना हो कि आमिर खान जो है अपने कदम को पीछे कर ले और इस प्रोजेक्ट को कैंसिल ही कर दे। तो दोस्तों जिस हिसाब से ये लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं ना भाई, प्लीज़ मत करो, तुम्हारे ये सब करने से ऑफकोर्स आमिर खान पीछे हटने वालों में से नहीं है दोस्तों, वो बंदा पैसा लगा चुका है, राजकुमार संतोषी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, अब तुम कुछ भी कर लो वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए बनाए जाते हैं। हालांकि प्रीति जिंता ने भी दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि बॉबी देओल के साथ भी कई फ़ोटो शेयर की अपनी सोल्जर फिल्म की,
तो आजकल क्या दौर चल रहा है दोस्तों, रीमेक फिल्मों का कल्चर चल रहा है। 90s की सारी रीमेक फिल्में अब वापस आ रही है एक नए फॉर्म में, मॉडर्नाइज तरीके से, और ऑफ कोर्स कमर्शियली यार सबको पैसा भी कमाना है। तो ऐसे में दोस्तों अभी बॉबी देओल के काफ़ी सितारे बुलंद हो चुके हैं, तो सोल्जर 2 भी आने के पूरे चांस लग सकते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, अभी देखो प्रीति जिंटा का सुपर कैमियो हो जाएगा, जैसे कि अमीषा पटेल का हुआ, प्रीति जिंटा का सुपर कमबैक हो जाएगा। मैं कैमियो कह रहा हूँ सॉरी। तो ऐसे में आपको बता दूं कि एक सुपर कमबैक हो जाएगा प्रीति जिंटा को, और लाहौर 1947 का ऑफकोर्स यार जल्दी ही मुहूर्त स्टार्ट होने वाला है। सो कहीं ना कहीं दोस्तों जो लोग हेट फैला रहे हैं कि लाहौर 1947 जो है ये फिल्म फ्लॉप होगी, डिजास्टर होगी, विवाद में फैलेगी, कंट्रोवर्शियल होगा, आमिर खान पीछे हट जाओ, अपने इस प्रोजेक्ट को वापस लो, जो ये न्यूज़ गलत फैला रहे हैं, कृपया करके मत फैलाओ, इससे कोई फायदा नहीं होगा। लाहौर 1947 पीक पे चल रही है, जल्दी से मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा। 12 तारीख को फर्स्ट डे शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा 12 फरवरी से, एंड उसके बाद दोस्तों लंका में शूट है, मड आइलैंड में शूट है, जल्दी ही अप्रैल में फिल्म प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, शूटिंग खत्म हो जाएगी, रैप हो जाएगा, जल्दी टीजर आएगा, और ये फिल्म दोस्तों इस साल ही रिलीज होगी या फिर 2025 के जनवरी में रिलीज होगी। तो घबराने की बात नहीं दोस्तों, जो लोग हेट फैला रहे हैं फैलाने दो, लाहौर 1947 1000 करोड़ कन्फर्म। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों क्या कहते हो, ये फिल्म दोस्तों क्या 1000 करोड़ पार कर पाएगी? क्या ये हेटर लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? हेटर लोग जो ये ट्रोल कर रहे हैं आमिर को, सन्नी को, क्या जवाब दोगे? कमेंट दो दोस्तों। और ये आप समझ गए ना, ये वही है दोस्तों जो ट्विटर पे, जिनके सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, खान गैंग में से एक गैंग, और ये लोग हेटर वाले वही बंदे हैं जो नहीं चाहते सन्नी देओल की फिल्में 1000 करोड़ पार जाए। तो कमेंट करके दोस्तों क्या कहना चाहोगे, अपने विचार प्रकट करो। जय हिंद, जय भारत। क्या लाहौर 1947 फिल्म पार करेगी 1000 करोड़? जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो ना यार।